संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा, पहले सत्य को दबाने की कोशिश हुई, फिल्म में सच दिखाया गया। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कश्मीर को लेकर पीएम के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने मांग की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच। अगर इन्हें सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। कश्मीरी पंडितों को लेकर किए विवादित ट्वीट को केरल कांग्रेस ने डिलीट किया। लिखा था 1990 से लेकर 2007 में हुए आतंकवादी हमलों में 399 हिंदू तो 15,000 मुसलमान मारे गए। महाराष्ट्र में फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने आज मुंबई में एक मोर्चा निकालकर मांग की कि फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री किया जाए। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए हम ठाकरे सरकार को मजबूर करें, भले वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो डट करके इस फिल्म का समर्थन करते, टैक्स फ्री करने का जो फैसला है तुरंत लेते। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में प्रदर्शन किया है, कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर जांच की मांग भी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा जिले के 400 इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं। छात्रों की स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की याचिका खारिज की, कहा छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ज्यादातर दलों ने समर्थन किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर निराशा जाहिर की। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। हिजाब मामले में कूदे ओवैसी, कहा संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अपील की। हम कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। प्रीएम्बल है हमारे संविधान का जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप उसको भी सस्पेंड करता है। कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज में हिजाब के चलते छात्राओं का स्कूल में प्रवेश रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था, इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मसले पर लग रहा है कि मामला थम जाएगा, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही। फैसले के चलते कर्नाटक के कई कॉलेजों में कड़ी सुरक्षा की गई है, कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी तरह के सभा प्रदर्शन पर रोक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।